वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो कोड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो 482 फूड माइक्रोबायोलॉजी का है। आप अगर मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा पेपर पैटर्न है इलामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसमें कुल नंबर 100 होते हैं जिसमें से 40 नंबर लेना आपको ज़रूरी होते हैं। अगर आप 40 से कम नंबर लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस तरह अगर आप असाइनमेंट में 40 नंबर से कम नंबर लेते हैं या असाइनमेंट जमा ही नहीं करवाते तो दोनों सूरतों में आप इम्तिहान और असाइनमेंट दोनों में फेल हो जाएंगे और आपको इस किताब का दोबारा से एडमिशन भेजना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपकी जो जो बुक है इसमें कुल 8 सवाल होते हैं जिसमें से 5 सवाल के जवाब बाद देने आपको लाजमी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी वीडियोज़ बर वक्त हासिल हो सकें। फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले अपनी बुक को 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कर लेना है। बुक रीड आउट करने के बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आपने इन क्वेश्चन के और जो क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में है, जो आपने असाइनमेंट अपनी हल करके भेजी है उस असाइनमेंट में है, आपने उन दोनों के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद करने के बाद आपने इनकी 15 से 18 हाइडिंग्स बना लेनी है। हाइडिंग्स बनाने के बाद आपने जब अपना पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है। अगर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो ये आपके जो ट्यूटर हैं उन पर बहुत अच्छे असरात छोड़ेंगे और आप अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा वो अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और आपने ये नहीं करना है कि आप सिर्फ बुक वाले देखें। अगर बुक के अलावा आप को लगता है कि आपको इस सवाल से रिलेटेड कोई भी मवाद आपको पता है या आपको इससे इसकी मालूमात है तो आप वो भी इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के हैं तो आपने 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन को आपने कम से कम 2 शीट्स पे अटैम्प्ट करना है क्योंकि 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। इसके अलावा आपने इजाफी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। अगर आपके 5 क्वेश्चन दिए गए तो आप 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें, आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं और ना ही आपने ये करना है कि आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें और एक को छोड़ दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने 20 नंबर ज़ाया कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको कुछ बताई हैं। इसके अलावा आपने हमेशा पेपर में बॉल पेन और जो मार्कर है वो अच्छे वाला यूज़ नहीं, ऐसा यूज़ करना है जो पहले जिस पर आपका हाथ चला हुआ। और कोशिश करनी है कि आप पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसे अच्छे तरीके से करें। शुरू की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, लास्ट पर जाके थोड़ा पेपर हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ और इंस्ट्रक्शंस पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के ज़रिए कि आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।